आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर के द्वारा ही हम किसी वर्ष के दिवस, मास, तिथि, सप्ताह के पारस्परिक संबंधों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर में आपको, ठीक, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जहां पे कोई भी ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जितना आपको जानते हैं उतने में ही कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ठीक दिनों की बात कर लेते हैं। तो दिन मेरे ख्याल से सबको पता होगा कौन कौन सा दिन होता है। जैसे हम लोग शुरू करते हैं रविवार से, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, याद रखिएगा गुरुवार को ही अब हम बोलने जाएंगे बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, इसमें देखें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, और इन्हीं सातों दिवसों के समूह को, सातों दिनों के समूह को हमने क्या, हम क्या बोलते हैं, सप्ताह। ठीक है, एक सप्ताह में सात दिन होते हैं, सबको पता है। ठीक, सात दिनों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्ताह। ठीक है, जहां पे हमने क्या लिखा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। अब देखिए मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, जैसे इसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, तो इस दिन को हम लोग जीरो लेके चलेंगे। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए हम लोग इसको कैसे ले लेते हैं, जीरो। अब मंडे से हमारा काम शुरू होता है, जो भी काम करते हैं, तो इसको हम लोग काउंटिंग एक से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। ठीक, यदि आप रविवार को सात दिन बोलना चाहें तो चलेगा। सप्ताह का पहला दिन हम लोग माने सोमवार को, दूसरा दिन माने मंगलवार को, बुधवार को तीसरा दिन, बृहस्पतिवार को चौथा दिन, शुक्रवार को पांचवा दिन, शनिवार को छठवां दिन या फिर रविवार को सातवां। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया कि सप्ताह में क्या होते हैं, सात दिन होते हैं। अब बात करें महीनों की, ठीक, किसकी बोल रहा हूं मैं, माह। ठीक है, या फिर किसी को मास भी बोला जाएगा, तो ये क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मास महीना। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि महीना जो होता है 28 दिनों का होता है, कई लोग बोल देते हैं 29 दिनों का होता है, कुछ लोगों के अनुसार 30 दिन, कुछ लोगों के अनुसार 31 दिन। ठीक, तो याद रखिएगा हमारे एक वर्ष में कुल 12 महीनों का समूह होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक वर्ष में 12 महीनों का समूह होता है। ठीक है, तो अब जो माह है, ठीक, शुरू से ले लेते हैं, जैसे जनवरी, तो जनवरी में आप सबको पता होगा दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। ठीक है, अब फरवरी देखते हैं कि फरवरी में कितने होती है, तो फरवरी में दिनों की संख्या, इसी में कुछ लोग 28 बोल देते हैं और कुछ लोग 29। ठीक, रीजन क्या है, देखिए ये जो फरवरी होता है ये वर्षों पे बेस्ड होता है, ठीक, वर्षों पर आधारित होता है कि यदि साधारण वर्ष है तो फरवरी में 28 दिनों का समूह होगा। ठीक है, और यदि लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, तो वहां 29 दिनों का समूह होगा। ठीक है, चलिए मार्च को देख लेते हैं, मार्च में क्या हो जाएगा, 31 दिन, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में क्या होगा, 30 दिन। ठीक है, ये चार हो गए। अब अप्रैल के बाद आपके पास आएगा मई, तो मई में क्या होगा जी, 31 दिन। फिर क्या हो जाएगा जून, जून में क्या होगा, 30 दिन। फिर क्या हो जाएगा जुलाई, 31 दिन। फिर अगस्त, 31 दिन। ठीक है, फिर सितंबर, 30 दिन। फिर अक्टूबर, 31 दिन। फिर क्या हो जाएगा नवंबर, 30 दिन और दिसंबर, 31 दिन। यहां पर क्लियर होगा, ठीक है, इसमें तो आप सबको पता हो कि जनवरी में 31 दिन, मई में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन। ठीक, कहीं से भी रैंडमली आपको पता होगा। देखिए जैसे आप बचपन में रहे होगे तो बचपन में ऐसे वाला फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम लोग बचपन में ये सोच लेते थे कि जो इस उंगली के उभार पे आ रहा है वो 31 दिनों का है और जो बीच में आया वो क्या 30 दिनों का।
ठीक है। तो जैसे भी करके आप इसको क्लियर करके रखिए कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक, फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होता है, ठीक है, जुलाई में 31 दिन होता है, दिसंबर में 31 दिन होता है, ठीक। मेरे ख्याल से आप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ किस चीज का बाद, ठीक, दिन का हो गया, ठीक है, किसका हो गया, महीनों का। आगे देख लेते हैं वर्षों, चलिए वर्षों की बात कर लेते हैं कि वर्षों को कैसे लेंगे, ठीक, वर्षों को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज आ जाएगा हमारे पास शताब्दी वर्ष, ठीक है, आप सबको क्लियर होगा कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो याद रखिएगा ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज होते हैं, गुणज बोलने का मतलब है कि जो 100 के टेबल में आते हैं, पाड़ा में आते हैं, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे, ठीक, ये सभी कैसे हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब एक चीज आ जाएगा अन्य वर्ष, तो अन्य वर्ष बोलने का मतलब क्या है, शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो भी शेष बचे वो किस में आते हैं, अन्य वर्षों, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग मान लिए कि 2015, देखिए ये शताब्दी है क्या, 100 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या है आपका, अन्य वर्ष में आ जाएगा। वैसे ही सपोज 99 कर लिए, वैसे ही 299 कर लिए, ऐसे, ठीक है, कोई से भी वर्ष आएंगे वो अन्य वर्ष में आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं अन्य वर्ष या फिर शताब्दी वर्ष का, ठीक, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं अन्य वर्षों को। तो अन्य वर्षों का एक पहलू आपको मिलेगा साधारण वर्ष और एक पहलू मिलेगा लीप वर्ष, ठीक, या फिर अधिवर्ष। क्लियर करते हुए चलिएगा, देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले दिनों के बारे में जाना, फिर महीने के बारे में जाना, फिर वर्ष के बारे में, ठीक। तो वर्ष में एक नया चीज हमको मिला कि शताब्दी वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है, जो 100 के गुणज में होते हैं, ठीक है, बाकी शेष जो अन्य वर्ष है वो किसमें आ जाते हैं, अन्य वर्षों में आ जाते हैं। अब इसी वर्षों को मैं दो भाग में क्या कर रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ, जहां पे पहले लिखे लीप वर्ष, तो लीप वर्ष के लिए आप याद रखिएगा जो 4 से विभाजित होता है, ठीक है, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ले लिया 1992, ठीक है, सपोज हमने ले लिया 1996, ठीक, सपोज हमने ले लिया 2004, ये सब कैसे वर्ष हैं, कैसे वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं, क्योंकि जब इनको आप विभाजित करोगे तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी, वहां पे शेषफल की जगह में 0 प्राप्त होगा, ठीक है, ऐसे वर्षों को लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। अब बात आई साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष क्या है, याद रखिएगा कई लोग बोल देते हैं कि लीप वर्ष को छोड़कर शेष अन्य वर्षों को साधारण वर्ष करते हैं, तो इसी को हम लोग दूसरे पैटर्न में याद रखते हैं कि जो 4 से विभाजित ना हो, ठीक, मैंने क्या बोला उसको याद रखिएगा, जो 4 से विभाजित ना हो, मतलब ऐसे वर्ष जिनको 4 से विभाजित करें तो कुछ ना कुछ शेष पर छोड़े, ठीक है, जैसे आप 2001 लिख लो, ठीक है, 1995 लिख लो, ठीक है, 1999 लिख लो, आप जब 4 से इसको विभाजित करोगे तो पूरा विभाजित नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ शेषफल छोड़ेगा। जैसे 2001 की कंडीशन है, ठीक है, 2001 की कंडीशन में 4 से विभाजित करोगे यहाँ पे शेषफल 1 बच जाए, ठीक है, 1995 की जगह, तो 1995 जैसे आप लिखे तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 शेषफल बच जाएगा, 99 लिख दिए वहां भी क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो ये तो रहे आपके साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, बाकी अभी आप इतना जानिए कि साधारण वर्ष क्या है जो 4 से विभाजित नहीं होते और लीप वर्ष क्या है जो 4 से विभाजित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए पहले हम लोग लिखे साधारण वर्ष, कुछ फैक्ट्स होते हैं साधारण वर्ष के बारे में उनको जान लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो देख लिए, डेफिनेशन हमने क्या जाना कि जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं, ठीक है, जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, साधारण वर्ष। अब इन्हीं के बारे में देखिएगा कि यहां पे, ठीक है, वर्ष में
दिनों की संख्या कितनी होती है? ठीक, इसको याद करते हुए चलिएगा। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या याद रखिएगा क्या, 365। ठीक है, एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। ठीक है, इसी को लिखते हैं ऐसा, या फिर इसको जब आप 7 से विभाजित करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 52 सप्ताह एक दिन। देखिए इसको नोट करते चलिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 52 सप्ताह एक दिन, 7 से विभाजित करने पर 52 सप्ताह और एक दिन मिलता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 365 दिनों को सप्ताह के बंडल में तोड़ने पर 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन प्राप्त होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा, यहां पर मैंने क्या बोला, एक अतिरिक्त दिन, इसीलिए आपको ठीक है बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या एक होती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या एक होती है। ठीक है, अब इसमें एक की पॉइंट और याद रखिए। ठीक है, इसी एक की वजह से, जो अतिरिक्त दिन है एक है, इसी की वजह से यहां पे आपको याद रखना है कि वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। कैसे होगा मैं बताऊं। ठीक है, क्या होगा, वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। बोलने का मतलब है कि जैसे 1 जनवरी 1975 को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 1975 को भी सोमवार होगा। यह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1975 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1975 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो 1975 है वो कैसा है, ऐसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में ठीक है आप देखेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक, तो वर्ष का पहला दिन सोमवार रहा। ठीक है, तब इसी में जैसे मान लीजिए मैं 365 जोड़ूंगा, क्या कीजिएगा, ठीक है 300, ठीक क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 1975 को सोमवार। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें जैसे आप लिखोगे, एक चीज और लिखते हैं कुछ लोग, जैसे चलिए देखिए क्या, ठीक वर्ष का पहले दिन व अगले वर्ष के पहले दिन में एक दिन का अंतर होता है। ठीक, कौन से कंडीशन में, इसको याद रखते हैं आपको। ठीक है, एक दिन का अंतर होता है, साधारण वर्ष रहेगा तब। ठीक है, जैसे एग्जांपल फिर से लिख लेते हैं वही चीज कि 1 जनवरी 1975 सपोज सोमवार रहा तो आपको पूछा गया कि 1 जनवरी 1976 को क्या होगा, तो देखिए ये वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी 1975, क्या है जी, सोमवार है, और ये 1 जनवरी 1976 ये भी अगले वर्ष का पहला दिन है, तो इन दोनों के बीच में एक दिन का अंतर होता है, मतलब ये सोमवार है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, मंगल, ऐसा हो जाएगा। यदि हम पीछे जाते हैं इसके, ठीक पीछे जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए, ये 1974 यहाँ पे क्या होता है, 1 जनवरी, ठीक यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन गौर कीजिएगा सबसे पहले ये जो आपका 74 है ये साधारण वर्ष है या नहीं, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये तो अभी साधारण वर्ष है, इसीलिए इसमें रविवार होगा तो अगले वर्ष के पहले दिन सोमवार हो जाएगा,
और अगले वर्ष के पहले दिन मंगल। ठीक, ये तो रहे आपके साधारण वर्ष। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। ठीक है, जो लीप वर्ष होगा उसकी कंडीशन में क्या क्या, तो यहां पे फिर से देख लेते हैं कि दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 366। देखिए 366 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो फरवरी माह होगा वो 29 दिनों का होगा, इसीलिए 365 में एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। ठीक है, अब इस 365 को सपोज हमने सप्ताह के बंडल में विभाजित किया तो ये 52 सप्ताह और कितना, दो दिन अतिरिक्त। ठीक है, ये अतिरिक्त दो दिन होता है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ मिलता है कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या दो होती है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अतिरिक्त दिन क्या होता है, बोलने से हम लोग दिनों के समूह को सप्ताह में बांट देते हैं। ठीक, सप्ताह के बंडल में तोड़ देते हैं और जो शेष बचता है उसी को अतिरिक्त दिन बोल देते हैं। ठीक है, देखिए अब जब इसके कंडीशन में आएंगे तो यहां पे भी आप इसको गौर कीजिए, वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होता। हमने क्या लिखा कि वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतर होता है। ठीक, एज एन एग्जाम्पल 1 जनवरी 2000 सपोज रविवार का, हमने क्या लिखा 1 जनवरी 2000 क्या रहा, रविवार, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या रहेगा, सोमवार। गौर करते चलिए, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। देखिए साधारण वर्ष की कंडीशन में 1 जनवरी 1975 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1975 को भी क्या था, सोमवार, मतलब पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान है। लेकिन इस कंडीशन में वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन सोमवार। ठीक है, वही फरवरी के 29 दिनों के चलते हो रहा है, एक दिन अतिरिक्त आया तो ये रविवार ना होकर एक दिन बढ़ गया, क्या हो गया, सोमवार। अब कुछ लोग ऐसा भी याद करके रखे रहते हैं, ठीक है, जैसे वर्ष के पहला दिन व अगले वर्ष के पहले दिन में, ठीक, दो दिन का अंतर होता है। देखिए इसको आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए मैं ऐसे लिखवा देता हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब एज एन एग्जाम्पल 1 जनवरी 2000 को रविवार है, ठीक, हम क्या लिख रहे हैं 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2000 को रविवार है, मंगल, कैसे आता है हम लोग आगे देखेंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए, बस इतने को आपको याद करके रखने, इसलिए मैं इतने को बता रहा हूं। ठीक है, देखिए कहीं पे कोई ट्रिक यूज नहीं हो रहा है, बस हमने क्या देखा कि जो हमें पता है उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया कि एक होता है शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष होता क्या है हम आगे देख चुके हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष होता क्या है, जो 100 के गुणज में होता है, लेकिन शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होना, इसको याद रखना, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होना। ठीक है, कैसे मानते हैं कि एक शताब्दी वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा, तो हमने लीप वर्ष का जब डेफिनेशन देखा था, परिभाषा देखा था, तो हमने कहा था कि जो 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, शताब्दी वर्ष की। अब कौन से शताब्दी वर्ष को हम लीप वर्ष मानेंगे, तो याद रखिएगा 4 के साथ साथ 400 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तब जाके ऐसे शताब्दी वर्ष को हम लोग लीप वर्ष मानेंगे। जैसे देखिए शताब्दी वर्ष, बस मैं लिखूं तो शताब्दी वर्ष में क्या आ जाएगा, 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 400 भी आएगा, 1900 भी आएगा, 2000 भी आएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं
शताब्दी लीप वर्ष का क्या कीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, शताब्दी लीप वर्ष अर्थात ऐसे शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष है। तो देखिए ये जो 100 लिखे, ठीक है, 100 400 से विभाजित होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 100 को हम लोग यहां पे नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा 100 को यहां पे हम लोग नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 200 है, तो 200 400 से विभाजित होगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो यहां भी इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। 300 है तो 300 को भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए 400वां वर्ष है तो 400 वर्ष को यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 400 400 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल 1900 लिखे थे तो 1900 को भी वहां पे हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1900 400 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात 2000 की, तो 2000 को यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि क्या है 2000 क्या है, 400 से विभाजित होगा। ठीक, दूसरे शब्दों में यदि आप समझेंगे तो 400 के टेबल में जो भी आता है वही ऐसे शताब्दी वर्ष होंगे जो कैसे होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक, जो 400 से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप क्लियर करके रखिए, क्योंकि हम लोग विदाउट ट्रिकी या फिर विदाउट कुछ याद के आगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया इन्हीं के उपयोग से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होना कब माना जाएगा, वो 400 विभाजित हो लेकिन 400 से भी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, शताब्दी वर्ष 100 के गुणज होते हैं, 100 200 300 400 1900 2000 एग्जांपल के तौर पे लिखिए। अब शताब्दी लीप वर्ष कौन से होंगे, देखिए 100 400 से विभाजित नहीं होता, 200 भी नहीं होता, 300 भी नहीं होता, इसलिए इन तीनों को मैं काट दिया। 400 होगा क्योंकि वो 400 से क्या होगा, विभाजित होगा। 1900 भी नहीं होगा, 2000 ये होगा क्योंकि 400 से विभाजित होगा। ठीक, दूसरे शब्दों में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 400 के सारे गुणज ऐसे शताब्दी वर्ष हैं जो लीप वर्ष भी होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 400 वर्ष में ठीक कितने लीप वर्ष होते हैं, याद रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल में सॉरी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में इसका ऐसे रहता है ना, 100 99 98 97 इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 400 को फट से क्या करते हैं, ठीक सात से सॉरी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 400 को उठाए और 4 से भाग दे दिए, यहां पे आता है 100। ठीक है, तो 100 जैसे ही आ गया लगा के आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि वर्ष जो होते हैं दो भागों में बटे होते हैं, एक तो शताब्दी वर्ष और दूसरा कौन सा अन्य वर्ष। ठीक है, तो इन्हीं 400 वर्षों तक पहुंचने में, ठीक चलिए आप 100 निकाले इससे मैं सहमत हूं, आप 4 से भाग दे दिए और 100 क्या निकाले, लीप वर्ष। लेकिन आपको वहीं पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि 400 वर्षों तक जाने में हमें 4 शताब्दी वर्षों से होकर गुजरना पड़ा। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा कि 400 वर्षों तक जाने में, ठीक है, हमें 4 शताब्दी वर्षों से होकर गुजरना पड़ा तब अगर हमने 400 वर्षों तक पूरे। ठीक है, तो 4 से तो ये तीनों जो होंगे क्या होंगे, विभाजित होंगे, इसीलिए देखिए आपके पास कितना आ जाता है, 100। लेकिन हमने इससे पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी माना जाएगा जब वो 400 से विभाजित होता है, इसीलिए आपके देखिए तीन जो शताब्दी वर्ष होंगे वो लीप वर्ष नहीं होते। तो अब जो 100 आप लेके आ रहे थे उस 100 से कितने कम हो जाएंगे जी, 1, 2 और 3, अतः आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 97। इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसको आप ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, कई बार इससे बड़े वाले जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी आप इसको गलत कर जाओ। जैसे एज एन एग्जांपल मैं मान के चला कि 200 वर्ष में लीप वर्ष, ठीक है 200 वर्ष में क्या लिखे जी, लीप वर्ष। अब फिर से कुछ लोग का आंसर फट से क्या हो जाएगा, 200/4 कितना आ गया, 50।
यहाँ पे भी हम सहमत है, चलिए आप 50 को निकाल दें, लेकिन ये जो उसका सटीक उत्तर है वो नहीं होगा। ठीक है, 50 निकालने के बाद आप उसको क्या करो, क्या करो, पहले चेक करो कि 200 वर्षों तक कितने शताब्दी वर्ष, कितने शताब्दी वर्ष, 100 और 202। ठीक है, क्या ये दोनों शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हैं? 400 से विभाजित होना चाहिए तो नहीं होंगे, अतः क्या हो जाएगा, 50 से 2 कम, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 48। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे और कुछ कर लेते हैं। ठीक, सपोज हम लिख लेते हैं 500 कि 500 में लीप वर्ष कितने। ठीक है, तो 500 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे इसको आपको देखना है। ठीक है, तो 500 वर्षों में लीप वर्ष फिर से आप वही करेंगे 500/4। ठीक है, जब इसको आप भाग देंगे लगभग कितने जाएगा, देखिए 125। तो यहाँ पे तुरंत आंसर 125 नहीं देना है, फिर से आपको यहाँ पे सोचना है कि चलिए 125 तो आया ठीक है यहाँ तक, लेकिन हमें 500 वर्ष तक जाने में कुल 5 शताब्दी से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हम लोग 500 शताब्दी पूरा करेंगे। ठीक, देखिए इनमें से 100 तो नहीं है, लीप वर्ष 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है और 500 भी नहीं है, मतलब 125 से कितने कम हो गए थी, 4, कितना हो गया शताब्दी वर्ष, 121, ये हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा, आप समझ गए होंगे। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, देखिए मैं इससे पहले आपको बताया कि लीप वर्ष आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, 400 वर्षों तक का लीप वर्ष है, आप कैसे काउंट करेंगे, यहां पे मैं क्या लिखा इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 400 लिख लिए, अब दो भागों में इसको विभाजित करें। ठीक, एक जहां पे हम लोग लिखते हैं साधारण वर्ष और एक लिखते हैं, या तो आप अधिवर्ष लिखो या फिर क्या लिख दो, लीप वर्ष। ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें, अब यहीं पे आप जैसे अपने समझ के लिए थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चलो भाई 400 को विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 100 मिलता, लेकिन 400 तक में हमारे पास, हमको पता था कि 100, 200, 300 और 400 शताब्दी होते हैं, तो इनमें से 3 तो होते नहीं है। ठीक, क्या होता है, 400 एक लीप वर्ष होता है, इसीलिए अब 100 न रह के कितना हो जाएगा जी, 1, 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 97। ठीक है, 400 वर्षों से 97 वर्ष जो है अधिवर्ष है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 303। ठीक है, आज की क्लास में स्टार्टिंग में हमने जाना कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, तो 303 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 303 × 1। ठीक है, ये आपको कितना मिल जाएगा, 303। ठीक है, अब एक चीज हमने ये भी जाना कि एक अधिवर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2, तो 97 × 2। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे ये 4 हो जाएगा और ये 194। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को आप जोड़ेंगे ये आपका कितना आ जाएगा जी, 497, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 497 अतिरिक्त दिन होते हैं किसमें, 400 वर्ष में, तो अब इन्हीं अतिरिक्त दिनों को सप्ताह के बंडल में तोड़ देते हैं, अर्थात 7 से विभाजित कर देते हैं और जो भी शेष मिलता है उसको देखते हैं कि कितना शेष मिलता है। ठीक है, तो देखिए जब 497 को 7 से भाग देंगे तो 71 टाइम्स जाएगा और शेष पर कितना बचाएगा, 0। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूं, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे अभी हमने क्या माना, 100 वर्ष का, सौ वर्ष में अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस कीजिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, साधारण वर्ष देख लीजिए और क्या देख लीजिए, लीप वर्ष, ये दोनों आप देख लीजिए। ठीक, क्या क्या बताया मैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करें तो फिर से लीप वर्ष को आप 100 को 4 से भाग देंगे, देखिए तो 4 से जब भाग देंगे 100 को, ये हमारा कितना आ जाना चाहिए जी, 25। लेकिन 100 वर्षों तक
एक शताब्दी वर्ष शामिल हो जा रहा है, कौन सा? सौ, जो कि एक लीप वर्ष नहीं है। इसीलिए जो 25 है वो 25 ना होगा, कितनी रह जाएगी? 24, एक कम हो जाएगी। अब जब 100 में से 24 लीप वर्ष हैं, तो 76 क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। हमने जाना कि साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, तो 76 वर्ष में 76 गुणे कितना हो जाएगा? 76। तथा लीप वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, तो 24 लीप वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 48 होगी। ठीक है, अब जैसे देखेंगे तो कुल यहां पे अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा उसको देख लीजिए। देखिए कितना होगा, एक सौ चौबीस। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 से विभाजित कर देते हैं, सप्ताह के बंधन में तोड़ते हैं। ठीक है, तो जब आप 7 से ठीक 124 को विभाजित करते हैं तो आपके पास यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 5, और यही वो 5 क्या है? अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे आप 200 और 300 का करने जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। याद रखना, ये 100 वर्ष हो गया, ये 200 वर्ष हो गया, ये 300 वर्ष हो गया, और ये 400। ठीक है, देख लीजिएगा, 100 वर्षों का मैं आपको निकाल के बताया, तो अतिरिक्त दिन मिल रहा था कितना? 5। ठीक है, 200 वर्षों का आप निकालेंगे कितना आएगा उसका? 3। 300 वर्षों का भी आप निकालेंगे कितना आएगा? 1। और 400 वर्ष का कितना लाए हम लोग? 0। देखिए मैं आपको दो चीज बताया, एक तो 400 वर्षों का और दूसरा कितना? 100 वर्षों का। ठीक है, तो 5 3 1 0, इसको 53 10 करके भी याद रखते हैं लोग। ठीक है, तो बस इतने को ही आपको याद रखना है, और कैसे आया ये तो आपको बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे आगे आपको जरूरत पड़ेगा किसका, कि अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे आपको 1900 के बेस में आएंगे और 2000 के, तो देखिए इसी वजह से आप आगे बढ़ाते। तो यहाँ पे 400 के बाद कौन सा वर्ष आता? 500, 600, 700, 800। ठीक, फिर से क्या आएगा? 900, 1000, 1100, 1200। ठीक, फिर से 1300, 1400, 1500, 1600। ठीक है, 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, आगे भी आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा कि 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो 1600 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? 0। ठीक है, यदि आपको कोई पूछ दे कि 1900 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी? 1। यदि आपको कोई पूछ दे 1400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो कितनी? 3। इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कहीं भी कुछ रटने की जरूरत नहीं, जैसे हमने बनाया उसी को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। से आपको पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये स्टार्ट था। ठीक है, देखिए पहली बार जैसे आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंथी लगे, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, आप बस प्रोसेस को देखिए, कहीं पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग कौन से सन में है, किसकी बात किया जा रहा है? 1950। ठीक है, कौन से वर्ष की बात की जा रही है? 1950। तो जो वर्ष बीत गया है, याद रखिएगा जो बीता वर्ष है उसको पहले हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो जब 1950 में चल रहे हैं तो कौन सा वर्ष बीत गया है? 1949। क्लियर करते हुए चलेगा। ठीक है, 1950 में है तो 1949 वर्ष बीत चुका है, तो इसी 1949 का सबसे पहले मैं शताब्दी को अलग कर देता हूं। ठीक है, शताब्दी को अलग किए, कितने शताब्दी होंगे जी उसमें? 1900। अब इस शताब्दी को अलग करने के बाद जो शेष है उसको यहां लिख देते हैं, तो शेष कितना बचेगा जी? 49। क्लियर करते चलिए, 1949 वर्ष यहां तक बीत चुके हैं, तो 1900 शताब्दी वर्ष होगा उसमें, और शेष जो 49 है उसको हम लोग क्या किए? इसमें रखेंगे। ठीक है, अब इसी को देख लीजिए फिर से, एक तो होगा आपका साधारण वर्ष और दूसरा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। ठीक है, देखिए इसमें आपको कोई भी इधर उधर की चीजें याद नहीं रखनी, ठीक है, जो कुछ है वो आपका दिखते रहता है। ठीक, चलिए ये क्या किया हमने, साधारण वर्ष और लीप वर्ष ऐसा कर दिया। ठीक,
49 को 4 से भाग दीजिए तो कितने टाइम जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है। लेट्स सपोज इसको ऐसे समझिए, 4 से भाग दिए तो ये कितने टाइम, यह समझ जाए, ठीक है। तो इसी 12 को हमने क्या लिखा, लीप वर्ष, ठीक। अब जो 49 से 12 घटाने पर जो शेष बचे वो सभी सभी क्या होंगे, साधारण वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष में हम लोग जब लिखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 37। देखिए इससे पहले मैं जो आपको एक टेबल बताया जहां पे क्या था जी, 5 3 1 0 यही था कि 100 वर्ष में 3 दिनों की संख्या 5 थी, वैसे ही 200 में कितनी थी, 3 थी, 300 में 1 थी, 400 में 0 थी। तो 1900 वाले कॉलम में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी, 1, ठीक। जिसको मैं सर्कल से बना रहा हूं वो क्या अतिरिक्त दिनों की संख्या। अब हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होता है, तो 37 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। लीप वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका, 24, यस हो जाएगा। अब जो वर्तमान है उस पर आ जाते हैं, वर्तमान बोलने का मतलब कौन सा वर्ष है जी, 1950। तो देखिए अभी 1950 तक, ठीक है, कौन सा दिन, कितने दिन हुए, 26 दिन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनवरी 26 दिन, ये अतिरिक्त हो गया, ठीक है। इसी को ऐसा लिख देते हैं कि कुल अतिरिक्त दिन, ठीक, कुल अतिरिक्त दिन क्या होगा, तो 1900 का कितना लिया है, 1, ठीक है। साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त आया, 37, लीप वर्ष में कितना आया, 24, और जनवरी का कितना, 26, ठीक है। जब इसी को हम सॉल्व करने जाएंगे, देखिए सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 26 24 50, 50 और ये कितना, 87 और 1 88, ये आ गया 88। तो अब कुल 88 दिन हम लोग को मिला, ठीक है, कुल 88 दिन मिला। इसी को सप्ताह के बंडल में बांट देते हैं, ठीक। तो जब आप सप्ताह के बंडल में बांटेंगे, ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, उसको गौर कीजिए, ठीक। 88 को क्या करेंगे जी, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है, कितने टाइम जाएगा ये, 12, देखिए क्या मिल रहा है, 4, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 4 अतिरिक्त दिन। अब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है, बृहस्पति। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जी, बृहस्पतिवार, ठीक है। आपका जो ये क्वेश्चन होगा ऐसे सॉल्व, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर मैंने क्या लिखा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक। मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आप ऐसे दिन निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप इसको एक चीज हमेशा माइंड में सेट कीजिए कि पहले हम बीता वर्ष देखेंगे, क्या देखेंगे, बीता वर्ष। बोलने का मतलब क्या, 1946 तक, ठीक, 1946 तक बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था, ठीक। बोलने का मतलब ये है कि आप पहले उतने दिनों का निकाल लोगे, ठीक है। देखिए अब 1946 से हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से शताब्दी अलग कर दिया, शताब्दी अलग की, यहां पे क्या हो जाएगा जी, 1900, ठीक है। अब जो शेष है उसको यहां पे लिख लेते हैं, कितना है शेष, 46, ठीक है। अब 1900 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी, हमने पहले देखा इससे पहले कितनी थी, 1, ठीक है। इस 46 को दो भाग में बांटेंगे, एक आपका आएगा साधारण और एक आएगा, ठीक, 4 से विभाजित कीजिए 46 को, तो कितना शेष बचेगा आप ये बताइए, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप देखोगे, क्या करेंगे अब इसके बाद, 46 को 4 से विभाजित, ठीक है, कितने टाइम जाएगा जी, 11, क्या बचेगा, 2। तो ये जो 11 होगा वो लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 11। तो अब 46 से 11 घटाओगे कितना बच जाएगा, 35, ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्षों की संख्या, ठीक है। देखिए एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, तो 35 साधारण वर्ष में, 35, एक लीप वर्ष में दो अतिरिक्त दिन, तो 11 में
यस हो जाए। ठीक है, अब जब इसके बाद हम लोग आते हैं वर्तमान वर्ष में, ठीक है, तो वर्तमान कितना देख लीजिए 1947। अब आपको ये देख के चलना है कि कहीं ये 1947 लीप वर्ष तो नहीं है, लेकिन अभी 1947 क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं, तो देख लेते हैं। देखिए 1947 में कहां तक आना है हम लोग, अगस्त, तो जनवरी में कितने दिन 31, फेब में कितने दिन 28, ठीक है, मार्च में 31, ठीक है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अब रही बात अगस्त, तो अगस्त के लिए याद रखना आपको पूरे दिनों में नहीं जाना है, आपको केवल कितने दिनों के लिए जाना है 15, तो यहीं पे क्या हो जाएगा 15, सबको जोड़ देते हैं, देखिए कितना होगा 22, यस हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 227, ठीक, तो यहीं पे हम लोग अब निकाल लेते हैं कुल अतिरिक्त दिन, ठीक है जी, क्या होगा 1 + 35 + 22 + 227, यस हो जाएगा, ठीक। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ रहा है 85, ठीक है, तो अब 285 आया, इसी को 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 से भाग देंगे आपके पास 5 क्या बचेगा शेष, और सप्ताह का पांचवा दिन क्या होता है शुक्रवार, ठीक है, याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था शुक्रवार। इसको और आप कैलकुलेशन को सिंपल, कैलकुलेशन को और सिंपल करना चाहते हैं तो देखिए अंत में हम लोग को तो क्या करना पड़ रहा है, सप्ताह के मंडल में बांटना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना इतने बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं उसको और इजी कर दें और सरल कर दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कितना मिला जी 35, 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे 0 से बचा तो इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, वैसे ही 22 है, 7 से भाग देंगे 1 से बचेगा 1 कर दीजिए, ठीक है। अब मैं दिनों को इतना कुछ लिखा कि सबको फिर उसके बाद जोड़ते हैं, उससे अच्छा क्या करता हूँ 31 को 7 से भाग दिए कितना बचेगा 3 बचेगा, 728 3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा 0, इसमें भी क्या 3, इसमें क्या बचेगा 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1, 7 से भाग दिया जो शेष बचेगा उसको यहां लिख दिया, ठीक है। अब जैसे इसको आप जोड़ोगे जोड़ दो 17, ये 17 आ गया, देखिए 7 से फिर बड़ा होगा, फिर इसको कर देते हैं कितना आ जाएगा 3 शेष आ जाएगा, ठीक। अब ये 3 और यहां पे क्या है 1 4 और 1 5, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 करके, ठीक है। तो आज तो मैं खाली इतना ही बता रहा हूं, जो कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।